हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक गुरुजी। आज की जो वीडियो है वो हम जो एम्प्लॉई को गवर्नमेंट द्वारा जो लोन मिलता है उसके बारे में बनाने जा रहे हैं कि एम्प्लॉई अपने लोन की जो किस्त हैं वो किस तरीके से एडिट कर सकता है, इंटरेस्ट को किस तरीके से उसकी एंट्री की जानी है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा जो चैनल है उस पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो उसके लिए आप हमारे चैनल का जो लिंक है वो आप यहाँ एड्रेस बार में देख रहे होंगे, youtube.com/techguruji। जैसे ही आप ये एड्रेस बार में डालेंगे आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी आप यहाँ वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने पुरानी वीडियोस बनाई हुई हैं, हो सकता है ये किसी आपके काम की हो तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम हमारी जो नॉर्मल स्क्रीन है उस पर आ गए हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये हमने जो ई सैलरी की साइट है वो खोली हुई है और आज हम बात करेंगे कि जो लोन का एंट्री है वो किस तरीके से की जानी है और अगर हमारा लोन कंप्लीट हो गया है तो उसके इंटरेस्ट की एंट्री किस तरीके से की जानी है और अगर एंट्री में कुछ फेरबदल करना है तो उसको एडिट किस तरीके से किया जाना है। साथ ही साथ हम अपने जो लोन का स्टेटस है उसको किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी कितनी किस्तें किस महीने में जमा हुई हैं। तो आज हम टोटल लोन के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारी ई सैलरी की जो साइट है उसके जो मेकर लॉगिन है उससे लॉगिन कर लेंगे। तो मेकर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ पर आपको करना क्या है, उसके बाद जो एम्प्लॉई का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्टेटस किस तरीके से देखना है। तो रिपोर्ट अगर हमें चेक करनी है लोन रिपोर्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद एम्प्लॉई रिपोर्ट्स आएगी। एम्प्लॉई रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉई लोन डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एम्प्लॉई लोन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेबिल कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लोन अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो एक ऑप्शन नीचे आपको देखा सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम, तो इस पेबिल कोड के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उसमें से हमको एम्प्लॉई यहाँ पर डिटेल चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट लोन टाइप, तो जो भी आपका लोन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरीके से आपको लोन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट कर देंगे तो आपको जो लोन का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी कि लोन की जो रिपोर्ट है वो आप किस तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोन की जो एंट्रीज हैं वो किस तरीके से की जानी है, कि लोन में अगर आपको एडिट करना है या फिर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो वो किस तरीके से की जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से फिर अपने पहले मेन मेनू में वापस चले जाते हैं। तो हम अपनी जो हमारी मेन होम स्क्रीन है उस पर वापस आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉई का ऑप्शन है उस पर जैसे ही हम अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो हमें ये एम्प्लॉई के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लोन की एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एडिट लोन डिटेल, इस पर क्लिक कर लेना है। ये याद रहे ये सारी जो एंट्रीज हैं मेकर लॉगिन से ही होंगी, तो सबसे पहले हमें मेकर की लॉगिन करनी है, ये याद रखें। तो यहाँ क्या करना है, उसके बाद हमें एम्प्लॉई का नाम सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से ये एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लिया है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द नेम ऑफ द लोन एडवांस और इंटरेस्ट। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप देखेंगे तो ये कुछ एंट्रीज पहले से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो जो इंटरेस्ट आप यहाँ पर जिस भी लोन की आपको एंट्री करनी है वो अगर आपको लिस्ट में शो हो रहा है तो लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे
अगर वो एंट्री आपको, जैसे अभी अगर यहाँ पर आपको एडिट करना है तो एडिट के लिए तो वो नाम आपको यहाँ से पहले से दिखाई देगा और वहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये मेरे एडवांस इंटरेस्ट वन, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, टोटल ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो, ठीक है। ये क्योंकि अभी ये इंटरेस्ट कट रहा है पहले से, तो यहाँ पर लास्ट मंथ का और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब आप नई एंट्री करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट फिल करना है और यहाँ पर आपको ये टोटल इंस्टॉलमेंट फिल करनी है कि टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये कट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बन जाएगी जितने भी उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको चूज़ करना है कि इस मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट कट करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर कर लिया ये वन, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट लोन डिटेल पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपकी जो लोन की डिटेल है वो एडिट होके अपडेट हो जाएंगी। अगर इन केस आपकी जो लोन की डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो नहीं होती इस वाले ऑप्शन के अंदर, तो आपको क्या है, ऐड न्यू एडवांस और इंटरेस्ट लोन, ये ऑप्शन आपको यहाँ से चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी लोन है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंप्लीट हुआ है और इंटरेस्ट की आपको एंट्री करनी है, इंटरेस्ट कट करना है, तो आपको कहाँ से करना होगा, ऐड न्यू एडवांस और इंटरेस्ट यहाँ से आपको करना होगा। तो इस पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपको पहले लोन का टाइप क्या है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया मैरिज एडवांस इंटरेस्ट, ठीक है, ये आप यहाँ से कर लेंगे। तो जैसे ही ये होगा, अकाउंट नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा इस वाले ऑप्शन के अंदर। फिर ये सेंक्शन डेट और ये सारी डाल के आपको यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पर फिल कर देना है, ग्रॉस अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पर, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, उसके हिसाब से आपकी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कह रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टू बी पेड दिस मंथ, कितनी इंस्टॉलमेंट आपको एक साथ कट करनी है, दो चार पाँच, जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपको इस महीने में कट करनी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ से आपको सेव एडवांस इंटरेस्ट लोन ये कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल फिर करने के बाद आपको सेव कर देना है और आपकी जो लोन की जो एंट्री है वो यहाँ से हो जाएगी, और जिस भी मंथ को आपने सेलेक्ट किया है उस मंथ से आपके इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। तो आशा है ये सारा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लोन की एंट्री करनी है, किस तरीके से हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और किस तरीके से हमें जो हमारा लोन का अभी का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट क्या चल रही है, कितने इंस्टॉलमेंट्स हमारी कट चुकी हैं, कितनी रिमेनिंग हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी ही जानकारी आगे भी आप तक लाते रहेंगे। साथ ही साथ आज की एक और इम्पोर्टेंट ई सैलरी की अपडेट है, वो भी हम देख लेते हैं कि उस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हम मेन मेनू पे आ जाते हैं, और मेन मेनू में आने के बाद जो, चलिए हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक न्यू करके हमारे रिसेंट अनाउंसमेंट में आ रहा है, ऑल द यूसीपीज हैव बीन ब्लॉक्ड फॉर एडिट पर्पज विद द ऑर्डर ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी, प्लीज़ अप्रोच कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट फॉर एनी चेंज इन यूसीपी डिटेल। तो यूसीपी डिटेल्स क्या हैं उस बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए लॉग इन कर लेते हैं हम। लॉग इन करने के बाद मेकर से ही हमने लॉग इन किया है, तो यहाँ पर यूसीपी डिटेल्स क्या हैं आखिर उस बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर ही अगर हम जाएंगे तो
यहाँ पर आपको देख रहे होंगे अलॉटमेंट ऑफ यूनिक कोड फॉर पे, यूसीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक कोड फॉर पे, जो हर एम्प्लॉई है उसको एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसे हम सैलरी कोड भी बोलते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल्स, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, साथ ही साथ हमारे जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सेव होती हैं। तो एडिट पे डिटेल फॉर ईपीएस, इसमें हम देख लेते हैं, ये यूसीपी की डिटेल्स हैं सारी। तो ये अभी क्या है, ब्लॉक कर दी गई हैं ये। अब अगर हमें इसमें कोई भी चेंज करवाना होगा तो ये कहाँ से होगा, ये अब हमें ट्रेजरी ऑफिसर के जरिए करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यूसीपी के अंदर जो हमारी पर्सनल डिटेल है, जो एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर और जो पैन नंबर है, साथ ही साथ बैंक अकाउंट की डिटेल जिसके अंदर सैलरी जाती है, तो ये अभी इनका एडिट करना ब्लॉक कर दिया गया है। अब अगर इनमें कोई भी हमें चेंज करवाना है तो वो कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर के ज़रिए हमें ये चेंज करवाना होगा। तो ये एक अपडेट थी, ये आशा है कि अब आप तक पहुँच गई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी चेंज करवाना है तो आप कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर से मिलकर इनमें चेंज करवा पाएंगे। अब आप अपने ऑफिस के लेवल पर इन चीज़ों में चेंज नहीं कर सकते। तो मिलेंगे आपसे अगली ऐसी किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को शेयर करते रहें और साथ साथ जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते रहें। ओके, थैंक यू।